जनरल जी, मॉर्निंग एवरीवन। आज सिर्फ हम अंडे खा के जाएंगे। ये हमारा प्री वर्कआउट मील होगा और पोस्ट वर्कआउट मील में डायरेक्ट आज हम ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रात का मेरा डिनर जो था वो स्किप हो गया। मैं वर्कआउट करके आया हूँ, आके डिनर नहीं किया और मैं डायरेक्ट सो गया था, तो मतलब खाली पेट ही सो। तो एनी हो, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं समझ लेके प्री वर्कआउट मील है, फिर कार्डियो, फिर करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट। तो चलें गाइस, आज सुबह सुबह कार्डियो करेंगे हम। इसमें 20 मिनट तक आज मैंने साइकिलिंग की है और उसके बाद मैंने जो है पूरे 40 मिनट अपनी ट्रेडमिल की है, मतलब एक घंटे का आज हमारा कार्डियो जो है ना हमने वो डन किया, ठीक है। उसके बाद ऐप्स ऐप ये वो कुछ भी मैंने ट्रेन नहीं किए। एक घंटा कार्डियो बहुत होता है, और ऊपर से आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हो, फिर शाम को भी वर्कआउट करना हो तो इट्स फाइन, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में 10 घंटे वर्कआउट करके बॉडी बन जाती है। नहीं, आपको सब्र रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फोकस्ड रहना पड़ता है, बस। इसके अलावा कोई भी सीक्रेट की नहीं है बॉडी बनाने की या फैट लॉस करने की या कुछ भी करने की। बट आपने मेक श्योर करना होता है कि जो आप कर रहे हो वो आप ठीक कर रहे हो। कुछ ऐसा वैसा आप नहीं खा रहे जो बॉडी में फैट करेगा, या कुछ ऐसा वैसा आप नहीं ले रहे। वो होता है ना, इधर की बात सुन के उधर की बात सुन के नुकसे इधर इधर, वो चीज़ें ख़राब करती हैं। तो ये कार्डियो हमारा डन हो गया। चलो गाइस, ये हो गया सुबह कार्डियो किया तकरीबन तकरीबन आपको पता ही है एक घंटा। उसके बाद हम ये खाएंगे ब्रेकफास्ट, ये थोड़ा सा सैलड, चिकन है साथ में राइस। बहुत सिंपल सी डाइट है, आप लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगती है। तो गाइस, ये होगा जी हमारा सेकंड मील। आज सेकंड मील खाया जा रहा है तकरीबन 13वें दिन। हाँ, अदरवाइज मेरा सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है, उसमें चिकन, उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट, और फ्रूट के बाद फिर प्री वर्कआउट, फिर वर्कआउट के बाद डिनर। तो आज ये लंच समझो खाया जा रहा है। ओके, चलें जी, वही आज हमारा बैक सेट है। बैक का वर्कआउट हम यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है, बैक मशीन से। तो यहाँ पर लाइट वेट देखे मैंने डाला हुआ है, और फुल रेंज ऑफ मोशन आपने यहाँ पर कोशिश करना परफॉर्म करें। मेरे शोल्डर आप देख रहे हैं थोड़े से वाइड हैं बाई गॉड, तो मैं फुल नीचे नहीं लेके जा सकता। आप थोड़ा और मज़ीद नीचे लेके आ सकते हैं अगर बार को, तो आप ले आएँ। जितने मैक्सिमम रैप्स हो सकते हैं आपने यहाँ पर करने हैं, तो मैंने आई थिंक यहाँ पर अराउंड 40 रैप्स जो है ना वो किए हैं। और एक और चीज़ आपको बता रहा चलूँ कि आप देखते हैं कि मैं चिकन ही खा रहा हूँ, उसकी रीज़न है पीछे कि मुझे फ़िश मीट या बीफ जो है ना, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मेरे भाई सी फूड मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और पर्सनली मुझे इतना पसंद भी नहीं है। बट इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड फिश, सैलमन फ़िश, टोना फ़िश, राउ फ़िश, सोल फ़िश, आप उसको इसकी जगह पे ऐड कर सकते हो, और वो अपने ऑयल में ही पक जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और पहला सेट आपने करना है 3 सेट उसके करेंगे, थर्ड सेट ड्रॉप सेट, उसके बाद ये नेक्स्ट सेट आपने करना है फ्रंट में। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ना वो क्लोज में वी शेप में ना वो एंगल ही मिल जाएगी, थोड़ा एडवांस किस्म का एंगल है, बट मोस्टली जिनके अंदर ये नहीं होगा तो आपको वो दूसरा वी शेप का ना एंगल जो है वो मिल जाता है। तो आप उससे भी इसको ना परफॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसके आपने मेरे भाई 3 सेट जो है ना वो लगाने हैं। रेंज ऑफ मोशन आपने नीचे जाके बैक को फुल मसल को बैक के क्लोज करना है, ऊपर जाके ओपन करना है। अब उसके बाद ये डंबल है हमारा, ठीक है, 100 डंबल है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे आके थोड़ा सा आगे हाथ को इजी करके एल्बो सीधी करनी है। देखें, एल्बो आपकी सीधी होगी तो आपके बैक का जो मसल है लैट मसल जो है वो आगे जाके खींचेगा। ये देख रहे हैं, ऊपर जाके बंद, नीचे, ऊपर जाके बंद, नीचे। इस तरह से आपने सेट को जो है ना परफॉर्म करना। वेट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम ज़्यादा जितना भी आपको हिम्मत है आप कर सकते हो। मैंने 18 और 20 kg जो है ना वो यूज़ किया, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मेरे भाई इंजरी का, और ना मुझे कोई मेडल लेना कि मैं 50 किलो का या 100 किलो का डंबल जो है ना यहाँ पर लगा रहा हूँ। नो, हेल्थ फर्स्ट है आपकी, इंजरीज फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि इसके अलावा मुझे और भी बहुत काम करने होते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग करवानी होती है, PT करवानी होती है, फैमिली देखनी होती है, और काम बहुत है, तो इसलिए आई डोंट वांट टू गेट एनी रिस्क। तो इसके भी आपने 3 सेट जो है ना करने हैं, और बॉडी कंडीशन आपके सामने आया तकरीबन 14 डे या 14वां दिन है हमारा, और आई थिंक 13वां दिन या 14वां, ठीक है, वो बाद में देख के आप कन्फर्म कर दूँगा। उसके बाद आपने बैंड डंबल लगाना है, आप देख सकते हैं 10 किलो डाला है, उसके बाद फिर 10 kg डाल के मैंने जो है ना 3 सेट इसके कंप्लीट किए हैं। और कोई वेट मैटर नहीं करता, बट ऊपर जाके आपने बैक के मसल को क्लोज करना है। आप देख रहे हैं पोस्चर को मैंने फिक्स कर लिया हुआ है, बैक क्लोज ओपन, और एल्बो जो आपके नीचे जाके वो सीधी होगी, तभी जाके आपके बैक का मसल फुल खुलेगा, बैक फुल खुलेगी, ऊपर जाके क्लोज करो, फिर खुलेगी, क्लोज करो, इस तरह से आपने फ्लॉक। उसके बाद इसको आरा भी बोलते हैं, रोइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने मेरे प्यारे भाई इसके भी 3 सेट आपने करने हैं। अब ये थोड़ा एडवांस लेवल की ग्रिप है, ठीक है, आपकी बैक को वाइड करने के लिए।
इसकी जगह आप क्लोज ग्रिप जो है ना वो भी ऐड कर सकते हो जिम के अंदर मिलती है, पर पोस्चर आपका सीधा रहेगा, बैक आके अपने बैक क्लोज करनी, आगे जाके थोड़ा सा रेज करना है, थोड़ा देखें एल्बो सीधी फिर बैक क्लोज, एल्बो सीधी फिर बैक क्लोज, इसी के भी आप तीन सेट करने हैं। थर्ड सेट अगर पॉसिबल है तो आपने उसका ड्रॉप सेट कर लेना। एंड वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज, ये थोड़ी सी टफ है कि आप आगे जाके अपना जो मशीन अवेलेबल है तो अपना पेट साथ अटैच करके फुल ऊपर फुल बैंड, फुल ऊपर फुल बैंड, ठीक है, और वेट अपनी मर्जी के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है, जिससे आपके 15 से 20 रेपिटेशन जो है ना वो आपसे मस्ट हो, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना आपने छोटी छोटी ये अपने माइंड में रखनी होती हैं, मतलब वही जिस मसल को भी आप ट्रेन कर रहे हो यार उस मसल को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। अब इस वर्कआउट के बाद बैक जो पंप हुई है उसकी शायद मैं एक आधी पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगा आज, ठीक है। तो उसके बाद ये क्लोजिंग लास्ट सेट है हमारा, इसकी जगह आप फ्रंट पुल डाउन भी लगा सकते हो, उसके अलावा और बहुत सी एक्सरसाइज है, बट आई थिंक 7 एक्सरसाइज बैक के लिए काफ़ी हैं, इसमें ड्रॉप सेट भी 3-4 मैंने किए हैं, तो इट्स इनफ, ओके। इसके भी 3 सेट आपने करने हैं, और उसके बाद मैं लास्ट में करूँगा अपना एब्स वर्कआउट जो कि सुबह नहीं किया था मैंने, अभी मैं इसको करूँगा। उसमें वही फ्रंट फेवरेट मेरा, यहाँ पर ट्विस्टर मशीन नहीं है तो मैं स्टिक के साथ करूँगा, मैक्सिमम जितना आप रेप्स लगा सकते हो इसके, ठीक है, जितना आप मूव कर सकते हो, क्योंकि मेरा अभी दूसरा तीसरा दिन है स्टिक के साथ, तो मैं ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहता, इसीलिए स्लो 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 करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं रेपिटेशन आई थिंक काफ़ी मैंने किए हैं, इसके 3 सेट मैंने किए हैं। उसके अलावा वही साइड क्रंचिंग मशीन के साथ ये मैं लगाऊंगा, इसके भी 3 सेट 15-15, 20-20 रेपिटेशन के आपने करने हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगे आपकी साइड। बहुत से लोग देखें फ्रंट के एब्स होते हैं, साइड्स होती नहीं है, तो मेरे भाई साइड के साथ ही तो मज़ा आता है, जब आप शर्ट उतारते हो तो साइड्स आपकी अच्छी होंगी तो फिर वो एक अलग दिख के लुक आती है। मैं आपको साइड की पिक्चर भी ना साथ में आपको शो करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो मज़ा है ना ये आना चाहिए, ठीक है, जो मेरी एक पीक वीक की पिक्चर थी। सो इसके भी 3 सेट आपने करने हैं। उसके बाद लास्ट में आल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एंड ईजीएस्ट एक्सरसाइज फॉर मी जो मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा वो ही है, केबल के साथ आपने नी डाउन करके उसको परफॉर्म करना है, ठीक है, ये वाली फुल ऊपर क्लोज, फुल ऊपर क्लोज, आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको लगाना है। वेट देखें तकरीबन आधा मैंने डाला हुआ वेट, आप इसको बढ़ा भी सकते हो वेट अपने हिसाब से, कम भी कर सकते हो, बट वही है सर के ज़ोर से आपने सर के साथ अपने एब्स को स्ट्रेच करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज़ करना है, तो वो गेम सिर्फ यही है, एब्स को फील होना चाहिए, ठीक। तो इसके बाद हमारा वर्कआउट डन।